ईरान से क्या? ईरान है सर, ठंडी गंदी सॉरी मैं लेट होता है ना बारह कोचिज के साथ 19 अथाला एक्सप्रेस आज HBU 2078 लोकोमोटिव के साथ आ रही है और कोचिज भी 12 लगी हुई हैं लेकिन लोकोमोटिव जो इसके साथ लगा हुआ है वो बहुत वीक है, यानी 6 नाच पर मुश्तमिल है, 4 इसकी सिर्फ ट्रैक्शन मोटर्स हैं और इसकी सेक्शनल स्पीड बनती है सिर्फ, यानी सेक्शन जो 80 की स्पीड का है तो ये 80 की स्पीड भी बहुत मुश्किल से पिक करता है जो इंजन आज 19 के साथ आ रहा है। पहले 80-78 जो है ये 8 नाच पर मुश्तमिल था, 6 इसकी ट्रैक्शन मोटर्स थी और तकरीबन ये 102-103 की स्पीड इजीली पिक करता था लॉन्ग रूट पर, यानी शेरशाह से मुल्तान के दरमियान। लेकिन अब इसकी कैब राइड मैंने खुद की है 3-4 दिन पहले, तो 6 नाच इसके अब कर दिए गए, 2 नाच भी आगे ब्लॉक कर दिए गए और मोटरें भी 4 हो गई हैं, 6 नाच और 4 मोटरों वाले इंजन को अब एक्सप्रेस ट्रेन के साथ लगाए जा रहे हैं। और अच्छा मैं बता रहा था आपको, मैंने इसकी कैब राइड की है तो 80-78 ने जो है 6 नाच पे 15 मिनट के सफ़र में स्पीड पिक की है 82 की, यानी सेक्शनल स्पीड, वो भी बस बहुत मुश्किल से, यानी कि स्पीड इसने पकड़ी है। ड्राइवर ने नाच 5 की हैं, फिर 6, फिर 4, फिर 5, फिर 6, यानी कि बहुत कोशिश की है स्पीड बढ़ाने की लेकिन इंजन ने कहा है नहीं स्पीड मेरी यही रहेगी। तो 82 तक गए हाईएस्ट और छोटे रूट पर जैसे गुरमानी सनामा है और कोटादू से तहदीन बनाए 8-9 मिनट का सफ़र, 8 मिनट के सफ़र में इंजन ने स्पीड पकड़ी है जी 72। इतना वीक लोकोमोटिव है उसको फिर जो है ना 19 और 130 से लगाए जा रहे। बाकी अब 12 कोचिज़ का रेक है तो अब तो आज तो इसके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा ट्रेन को खींचना, तो इसी वजह से 129 अथाला एक्सप्रेस जो है अब 9:02 तक सनामा पहुँचेगी, आधा घंटा लेट है। हालांकि मुल्तान से भी राइट टाइम चली थी, अभी समझ ये नहीं आ रही कि क्यों लेट होगी ये ट्रेन, कि सनामा से मुल्तान जो है 2 घंटे में पहुँच रही है, तो कुछ इसमें इंजन का रूल भी होगा। रात 1:30 भी तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट लेट थी, तो इंजन का भी मसला होता है ना जब मोटरें कम हो तो फिर स्पीड इंजन जो है बहुत स्लोली पिक करता है और सेक्शनल स्पीड ही बनाता है। तो इसी वजह से जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 80-78 की या फिर मोटरें 6 करनी चाहिए या फिर 8 जो नाच कर देने चाहिए, 6 नाच का इसका कोई फ़ायदा नहीं है, स्पीड नहीं पकड़ता। इस तरह कुंदिया शेड का कोई भी ऐसा लोकोमोटिव इस टाइम वर्किंग नहीं कर रहा मेरे ख्याल में जो 4 मोटरों पर हो, यही 80-78 को पता नहीं क्यों 4 मोटरों पर किया है और वो भी लंकी गाड़ी का साथ फिट लगा दिया गया है। तो रावलपिंडी बेस्ड लोकोमोटिव HBU 2080 34 80 38 39 और 80 46 80 56 80 64 80 54 80 83, ये वाले इंजन जो है ये इस साइड पर नहीं लगाते और ये मैं गारंटी देता हूँ अगर ये इंजन इस साइड पर लगा दिया जाए ट्रेन राइट टाइम ही होगी, ठीक है। यानी वैसे कुदरता लेट हो जाए ट्रेन तो वो और बात है लेकिन अगर इंजन के लिहाज से लेट होती है तो इंजन के लिहाज से लेट नहीं होगी कि इंजन स्पीड नहीं पकड़ता या स्पीड ज़्यादा जो है ना इसकी स्पीड बनती नहीं है। तो इसके अलावा कुंदिया शेड का एक लोकोमोटिव है HBU 2083 53, वो तो बिल्कुल वो इससे तो ख़राब है, यानी कि ज़्यादा ख़राब है, ठीक है ना। तो उसका मसला पता क्या है, वो 0 से 60 की स्पीड जो है वो जल्दी पिक नहीं करता, चाहे 8 नाच पूरे भी लगा दी जाए वो 4-5 मिनट लगा देते 60 की स्पीड पकड़ने में। ऐसे इंजन जो है फिर ट्रेन का टाइम जो है लॉस करते हैं, इसी वजह से फिर ट्रेनें जो है अक्सर लेट होती हैं। वैसे रावलपिंडी शेड और कुंदिया शेड के जो HBU 2080 लोकोमोटिव्स हैं इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। अब कुंदिया शेड के लोकोमोटिव्स जो है इनकी खास कोई मेंटेनेंस नहीं की जाती, जबकि रावलपिंडी शेड के जो लोकोमोटिव हैं वो बहुत ही पावरफुल लोकोमोटिव हैं और इनकी स्पीड कन्फर्म मैं कहता हूँ कि हिटाची के HBU 2080 सीरीज़ में जो रावलपिंडी शेड के लोकोमोटिव हैं ये 110 की स्पीड इजीली पिक करते होंगे, 110 से 115, ठीक है। जबकि कुंदिया शेड के जो लोकोमोटिव हैं इनकी ज़रा एक स्पीड लगा दो थोड़ी सी, ठीक है, तो ये हॉट हो जाते हैं, इनका टेम्परेचर हाई हो जाता है, फेल हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में तो कुंदिया शेड का कोई ऐसा लोकोमोटिव अब नहीं बचा हुआ जो 110 की स्पीड जो है ना पिक कर सके, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि मेंटेनेंस जो है वो सिर्फ रावलपिंडी शेड वाले ही अच्छी करते हैं लोकोमोटिव्स की, यानी अपने HBU 2080 लोकोमोटिव्स की वो मेंटेनेंस बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, जबकि कुंदिया शेड वाले जो हैं ये अपने HBU 2080 लोकोमोटिव्स की मेंटेनेंस कोई ख़ास तरीके से नहीं करते। दूसरा फिर जो है ना
मसला ये है कि इनके शेड, इनके इंजन जो है अगर महीना महीना भी और शेड में वर्किंग करते रहें तो इनको कोई परवाह नहीं है, हेड क्वार्टर से अलाउ करवा के अपनी पावर में वापसी नहीं मिल, यानी कि वापसी मंगवाते नहीं हैं। तो एक एक मंथ ये मेन लाइन पर वर्किंग करती रहती हैं, इंजन का जो ना बेड़ा गर्क हो जाता है, वहीं गोड्स ट्रेनों के साथ लगाया जाता है। और दूसरे शेड वाले जो हैं वो किसी और शेड की पावर को जो है ना खास तरीके से मेनटेन तो नहीं कर सकते ना। अब HPU 20 सीरीज़ का लोकोमोटिव है, कुंदिया शेड का लोकोमोटिव है, कुंदिया वालों को ज़्यादा समझ आएगी या रोड़ी शेड वालों को ज़्यादा समझ आएगी? रोड़ी वाले के पावर हैं RG 24 हैं, तो RG 24 जब इधर रहते हैं तो कुंदिया वालों से मेंटेनेंस नहीं होती। वैसे हल्की बहुत मेंटेनेंस तो कर लेते होंगे लेकिन वो मेंटेनेंस तो नहीं कर सकते जैसे तरह कुंदिया वाले कर सकते हैं। तो इसी वजह से वो और शेड वाले जो लोकोमोटिव हैं मेन लाइन पर वो इनके लोकोमोटिव यूज़ करते हैं, या बिल्कुल इंजन खटारा हो जाता है तो फिर ये जो ना इनको वापस कर देते हैं। तो ये इश्यू है, इसी वजह से HPU 20 लोकोमोटिव जो हैं ये सबसे नीचे जा रहे हैं। स्पीड के लिहाज से भी और भी कुछ इसमें जो ना प्रॉब्लम्स हैं। तो 129 एफ आर एक्सप्रेस आज 78 के साथ आ रही है, 12 कोचेज के साथ 129 देखते हैं 78 के साथ, 6 नाच और 4 मोटर पर 78 आज वर्किंग कर रहा है। 129 एफ आर एक्सप्रेस अब 9:05 पर सनावा पहुँचने लगी है HPU 20 78 के साथ। 129 एफ आज देखेंगे हम असिस्टेंट ड्राइवर साइड से, कोचेज भी काउंट करेंगे कि 12 पूरी लगी हुई हैं या नहीं। ट्रेन अब कॉशन स्पीड से आ रही है, इस टाइम स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर। बारह कोचेस पूरी लगी हुई हैं। कोचेस थी और फुली लोडेड 129 के साथ आज